सो कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन हमें 3 मेडल मिल चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ बैठी है गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू। ये जो गोल्ड मेडल है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ी। हाँ, मैं बाकी कंटिजेंट जो ओपोनेंट है, प्लेयर्स है, उनके साथ में इतना फाइट नहीं कर पाई। मतलब मैं खुद के ऊपर फाइट किया है मैंने पूरा कोशिश पहले ही। सबको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, पर मैं खुद के ऊपर पूरा फाइट किया था कि मैं अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। आपने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर जो लड़ाई होगी, जो कंपटीशन होगा, वो आपका खुद से ही होगा। आपने स्नैच में 90 भी टच करने का कोशिश किया था, हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप कैसे देखते हो आपने इधर क्लीन एंड जर्क में आके फिनोमिनल परफॉर्मेंस? हाँ, मैंने ये कंपटीशन में मुझे ये पूरा टारगेट करके आया था कि मैं स्नैच में अच्छा अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि मेरा स्नैच पहले से वीक है, तो मैं उसी को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमने कोशिश किया था कि टोक्यो से वापस आते हमने स्नैच में काम किया था कि ताकि हम अच्छे से कर पाए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैंने पूरा कोशिश किया और मुझे ये परफॉर्मेंस में बहुत खुशी हूँ कि 88 मैंने किया है स्नैच में, 90 भी टच किया है पर नहीं हुआ, पर फिर भी मैं ये परफॉर्मेंस में बहुत ही खुश हूँ। ओलंपिक्स में आपने टोटल जो स्कोर था 202 था, यहाँ पर 201 है। आपको लगता है कि कंपटीशन जो है आपका धीरे धीरे जो आपकी इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है हर एक चीज़ में? हाँ, मैं ओलंपिक से वापस आके मेरा ट्रेनिंग जो है प्रॉपर मतलब इतना कर नहीं पाई थी कि मैंने सिर्फ टेक्निक में और कंडीशनिंग इस सब में किया था, तो इसलिए मेरा टोटल में कम किया है। फिर भी मैं मेरा टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप में है ना, अभी दिसंबर में हो रहा है, इसका पूरा टारगेट रखी हूँ मैंने। जो दो सवाल मेरा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, स्नैच में आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? आज आपने ट्राई तो किया था लेकिन मन में कुछ है? हाँ, मैं मेरा टारगेट है मैं 90 क्रॉस करने के लिए टारगेट हूँ। हमारे कोच और दोनों ने मतलब पहले से ही हमने टारगेट रखा है, तो मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरा हम करने के लिए तैयार है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सब एकदम खुश हैं गोल्ड से? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पूरा इंडिया का जो भारतवासी, उन्होंने बहुत प्यार दिया है मेरे लिए, प्रे किया है, तो मैं उनकी वजह से मेडल जीत पाई हूँ, गोल्ड मेडल। तो थैंक यू सो मच। इस इयररिंग का क्या राज है? ये सबको पता है, ये मम्मी ने मुझे दिया था गिफ्ट, तो मुझे लगता है कि हर कॉम्पिटिशन में मुझे ये मेरे पास रहो, तो इसलिए मैंने आज भी ये पहना है। तो ये मेरे लिए लकी है। थैंक यू थैंक यू।